ये जितने से विरोधी थारे, जितने से विरोधी थारे, उनकी हार हो जागी। जीने की कृपा सजरी मैया पार हो जागी। जीने की कृपा से मैया पार हो जागी। पानी प्याण का धर्म हुआ करे प्यारा, न्यू तो कया करे जग सारा, सही है भाई। भारत में तो पहले सही है, केंद्र में तो सरकार है। यो राजस्थान है हमारा, राजस्थान है हमारा, जिसे डबल इंजन सरकार कहते हैं। डबल इंजन सरकार, केंद्र में तो वो इंजन लग रहा है, हमारे राजस्थान में इंजन लग चुका है, दोबारा से केंद्र में उसी इंजन को बरकरार रखना है। बहुत बहुत धन्यवाद। अरे लाला जी, जी घनी देर होगी, बहुत देर होगी, तूने मेरा कपड़ा ले लिया, अब रस्सी को लाड़ा तो दे। अरे भाई ग्राही कोर आ गया था, के करू सेठी। हाँ ले कुआड़ो रस्सी लाऊ। अरे मुनीम जी। हाँ सेठ जी। अरे वो कुआड़ो दे। लो सेठ जी कुआड़ो लो। यो मुनी भी खो के छोटे को मने यो ज्यादा पी सड़ो कुआड़ो ले ले भाई एक कुराच न ले प्राण ये बात। अरे डर लगे मन ये कुछ। अरे प्राण कर नहीं लाला जी, डरो मत। अरे भाई यो न्यू हो तो न्यू हो जाओ। कुलाड़ा मिल गया, रस्सी और दे। रस्सी? हाँ रस्सी चूंढा की बाट ली। कपड़ा दे रखा ले भाई। एक बात सुन ले लाला जी। जी आज मेरे पास में पैसे नहीं है। अच्छा। मैंने रस्सी कुलाड़े के बदले में कपड़े गिरवी धर दिए। जी और कभी मेरे पास में पैसे हो जाएंगे तो तेरे रस्सी कुलाड़े के पैसे दे जाऊंगा और मेरे कपड़े ले जाऊंगा। झूठी बात। मतलब कुआड़ो रस्सी तेरे तेर के लिए कपड़ा मारा मार कर गिरवो रखने के बाद वो वापिस नहीं देते। कल न करोड़पति अरबपति बन सकता है, आज भी पिलाड़ी वाला बिड़ला गांठ चिड़ावाला डालनिया कचोड़ो लोटो रखियो बताऊं। हम रख दे नहीं गे भाई। ठीक है लाला जी मत दिए। अच्छा 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 मैं चल लूं। चल चल जय राम जी। राम राम राम। ओ भाई ठहरिए ठहरिए ठहरिए। हाँ इकवाड़ा रसी को के करेगो यो तो कट के मरेगो तने के पड़ी तो पूछू तो। अरे भाई ठहरिए 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 के करेगो माया। कुलाड़ी से लकड़ी काटूंगा। हाँ रस्सी में बांधूंगा और शहर में लाके बेचूंगा, उनसे मेरा और मेरे माँ बाप का पेट गुजारा चलाऊंगा। तो जितनी भी लकड़ी काटे, जितनी भी लकड़ी काटू वह सारी की सारी काट के हमारे घर में ले आई। और बदले में? बदला में दो रोटी मिल जाएंगी। गलत बात। फेरे? लकड़ी चाहे ज्यादा मंगवा ले, रोटी तो ना तीन देनी पड़ेगी, हम तीन आदमी। अच्छा हाँ। तो तीन रोटी जी, गुड़ की डली और नींबू की फांक दूंगी आचार की। नींबू की फांक देगी तो हम के चट्टान हम भूखा मरो। तू तो एक और पेट भरेगी। अरे भाई हम तो तेरे लकड़ी लाइट को बाड़न को बात या राउंड से बताऊ। मैं बालूंगी, मैं तेरा सिर चेड़ो कर दूंगा। मैं बालूंगी, तू लकड़ी ले आए भाया। क्या बालेगी? चूल्हा में बालूंगी। तेरा चूल्हा में की लकड़ी आऊ ही कुने, तू ले आए भाया। अरे लाला जी ठहर, मेरे समझ में नहीं आ रही है। आके मैं तो पराया आदमी हूँ,
अरे पराया आदमी खतरा, आप अपना घर में क्यों लठ बजाओ सो? अरे लड़ाई सासू पराया आदमी खतर हो घर वाला की के लड़ाई से। और भाया हम तो रोज को लड़ा, रोजाना नहीं लड़ो, हम तो कोई बार तिवार ने लड़ाई करा, बार तिवार ने कदे शेठ जी मेरे चिमटा की मार दे, कदे मैं शेठ जी के बार तिवार फूकड़ी की मार दू। वाह, यह नई बात और सीख लियो। अरे लोगा के बार त्योहार ने खीर चूलवा अलवा पूरी बनावे अनक लठ बजाऊं, लठ बजाऊं। अरे भाई हम तो लठ न्यू बजावा, बार त्योहार ने टापर पहले ही सोचा अग सुसरा किसा गुलगला बनाऊं से गुल पड़ा सोचा किसा गुलगला से खर्चो कौन लागे तड़के उठन जाबे गुड़ की डली दे दा भाई गोली दे दा या उसे बाणिया भी दी। सजनो बच्चे को डोरी को लड़ा मिल जाता है, बनखड़ से लकड़ी काटता है, शहर में बेचता है और अपने माँ बाप का पेट गुजारा चलाता है। 7-8 साल का समय हो गया, लड़के की उम्र 20-22 साल की हो जाती है। एक रोज सर पे लकड़ियों का भरोटा, हाथ में कुल्हाड़ा, बनखंड से शहर की तरफ जा रहा था। वो राजपाट के ठाठ बाट याद आ जाते हैं, भगवान तेरी लीला बड़ी विचित्र है। क्या कुछ लीला बड़ी विचित्र है, कभी तो मैं राजपाट के अंदर आनंद किया करता और आज दो रोटी के लिए इतनी मेहनत करनी पड़ती है। सर पे भरोटा है, हाथ में कुल्हाड़ा है, उभाने पैर है। मन मन में सोचता जा रहा था, क्या कह रहा था बताएंगे, लेकिन उससे पहले ये दानदाताओं के नाम आ रहे हैं, ये नाम सुनिए। रिश्तेदार बन जाते हैं, सब मित्र बन जाते हैं, और जब हवा गिर जाती है तो मां के जाए भाई भी दुश्मन हो जाते हैं।
मारनी बिल्लन कड़े हारे बड़ा फिकर ब्राह्मण कहने लगे
रहते रहते सत्यवान की वो जगह पुरानी होगी, है महाभारत का लेख कथा पांडवों को सुनानी होगी। उस मगध देश में राजा शिवपति के घर पे एक लड़की सावित्री स्याणी होगी और ब्राह्मण कहन लगे राजा तनिया छोरी ब्याहनी होगी। मगध देश के अंदर राजा शिवपति जिसकी शादी को काफी समय हो जाता है, कोई संतान पैदा नहीं हुई, तो राजा शिवपति ने ब्राह्मणों को अपने घर पे बैठा करके ब्रह्मा जी महाराज के जाप करवाए और ब्रह्मा के जाप करवाने से उस राजा के घर पे एक लड़की का जन्म हुआ। और जब वो लड़की, जिस लड़की का नाम रखा गया था सावित्री, 17-18 साल की युवा हो गई, तो राजा शिवपति ने अपनी लड़की की शादी के लिए स्वयंवर रचे। 1, 2, 5, 7, 15, 16, 17 बार स्वयंवर रच दिया, लेकिन किसी भी स्वयंवर में उस सावित्री के लायक लड़का नहीं मिला। राजा परेशान हो जाता है। राजा शिवपति अपने मंत्रियों से, नाई से, ब्राह्मण से सलाह करता है कि अब इस लड़की का रिश्ता कहां किया जाए। इधर तो राजा मंत्रियों से सलाह करता है और इधर वो लड़की सावित्री अपनी सखी सहेलियों के साथ बाग के अंदर घूम रही है और कुछ मनोरंजन कर रही है। हाँ, अपने नाई से सलाह करता है। सुनिए वो नाई कहां लड़की का रिश्ता करने की सलाह देता है। ये नाई का तो दरवाजा ही बंद पड़ा है, क्या बात है भैया, पता नहीं घर पे भी है नहीं। अरे कोकू, अरे कौन ठोकू तेरा घर कंध ठोके, आ तो नंबर तारो है। अच्छा, बाहर आके बात कर। बाहर कौन है भाई, मत काम लाग रहे। के काम लाग रहे है भाई? भाई सिर का बाल तारो। अच्छा, आजा तो तू तेरा खुद का ही तारे सब दूसरा का। दूसरा का, बाहर आके बात कर। अभी हमारे बीच में श्रीमान पप्पू जी टोडी वाले जरूरी काम से आए हुए। बोलो के काम। तेरे को पता है कि हमारी जो राजकुमारी सावित्री है, तुम्हारी जो लड़की सावित्री है, अब वो श्याणी हो गई है। श्याणी होगी तो गौशाला में छोड़ दो। हे पागल, गौशाला में छोड़ दे, वो कोई गाय है तो तमी को श्याणी होगी। अरे मेरे कहने का मतलब अभी शादी के योग्य हो गई है तो फिर न्यू को छोरी को ब्याह करना है। बिल्कुल, छोरी कोड है, लड़की 18 साल की है तो छोरो कोड चाहिए। भाई लड़की 18 साल की है तो लड़का कम से कम 20 साल का होना चाहिए। अगर 20 साल को ना मिले तो 10-10 साल का दो ले दियो। अरे दो का के करेगा, एक मर एक त्यार रह भाई, रांड को रे खुट्टो खाली कौन छो। पागल, तू पहले ही बुरी सोचता है। अच्छा, ये स्टेपनी स्कूटर कौन लगे? अरे तो वहाँ कोई मशीनरी है क्या, तू स्टेपनी लगा देगा? तेरा काम करना है, स्टेपनी तो मेरी माँ का लगी उड़ी। वह कहिया? मेरा ताऊ का ब्याह आई, मेरे ताऊ में ना 3 जियो। अच्छा, और पछा मारा मम्मा आके मारा बाप ना रुपये देगा। अच्छा, हमारी विध बैठी फिर तम होया। तो हम तो नहीं सोचा, टूट फूट में एक आधो काम आ जाए। देखो कोकू, हाँ, आप जाओ और अपने पंडित जी को लेके जाओ। अच्छा, और एक बात का ख्याल रखना, जहाँ भी बाई का रिश्ता करें, अच्छा, वहाँ उसको सासू का, ननद का, देवरानी का, जेठानी का किसी प्रकार का दुख नहीं होना चाहिए। नहीं, यह बात श्याणी के बाई ने को दुख न हो, सासू ननद देवर जेठानी को दुख न हो। बिल्कुल, तो साहब बाबा जिया के करो फिर, उठे सासू ननद को ना पोंगार खाना। पागल, मेरे कहने का मतलब है कि परिवार सब हो लेकिन पढ़ा लिखा होना चाहिए, शिक्षित परिवार होना चाहिए, फिर पुरुष लयन में करो। अच्छा, मैं ज्यादा पढ़ोड़ा है। देखिए राजन, हाँ, मैं घर देखता हूँ तो बर नहीं मिलता, बर देखता हूँ तो घर नहीं मिलता है। छोटी मोटी ढाणियों के शहर के हर जगह थकी तो चुका हूँ। अच्छा, एक काम करो, लड़की सावित्री को शम ऑर्डर दे दो, अपना पति आप तलाश कर लेगी। अच्छा, और ये महाभारत का भाई देता, सबसे पहले लड़की सावित्री ने स्वयं अपना पति तलाश किया। हेलो, और न्यू को ने पण माँ बाप की इज्जत से छोर बाप छोरी के खातिर बटे देख, जस छोरी के पिताजी की इज्जत तेरे खातिर को टापर देख। पिताजी ते मैं देख, ये मन 3 साल हो गई फेसबुक बुक कर रखे समझ, फेसबुक 3 साल हो गई। पिताजी प्रणाम। खुश रहो बेटी। कहिए पिताजी, आज किस विषय में, किस बात की चर्चा चल रही है? तेरे को पता ही है बेटी, मंत्रियों के साथ में क्या बात है? तेरे को पता, हमने 17 बार स्वयंवर रच दिया आपकी शादी के लिए। जी बिल्कुल, और ये पंडित जी नाई सब दुखी हो गए, तुम्हारे लिए वर नहीं मिल रहा है। अब इन सब की ये सलाह है कि आप अपना वर स्वयं तलाश करेंगे। अच्छा, हाँ, आपकी जो पसंद होगी वो हमारी पसंद होगी। ठीक है पिताजी, लेकिन जितनी मेरी सखी सहेली हैं, अच्छा, वो सब मेरे साथ में होनी चाहिए, खाने पीने का प्रबंध और रथवान। बिल्कुल, ये अभी व्यवस्था करा। अरे रथवान जी,
आप सावित्री के साथ जाओगे। अच्छा, ये जहाँ भी जाने के लिए कहेगी वहाँ जाओगे। ठीक। और इनके खाने पीने की व्यवस्था करोगे। हा? और इसकी जो भी सहेलियाँ हैं जो साथ जाना चाहेंगी चली जाएंगी, बुलाओ सबको। बुला दूं? बैठ जाए, क्यों खुट्टा स्टॉक तो हंडा बैठ जाए एक जगह। रन बच्चा की ढाल हंड्रेड छोड़। ये लड़की सावित्री के साथ जा रही थी। ध्यान करो मन, चंपा चंपा चमेली चलती चिड़िया चांद को चन्ना नीबो नरबदा नूंदी नांदड़ी नथिया नैली लजाला डोली लोले लालो डीलिछमी लाली बाती बगोती बरपाई बरमा बंती भरपा लिया साऊ सा और ओम लिया नार लियो रन कोरी मेवा मानामा देई मन वो मूर्ति मन कोरी दापा धनी धनो धनपती दाखा धमदर कोरी राजा रजमन राम कला राम रथी और रन कोरी पार्वती परमाती पुष्पा पारली पद्मा पिंगला केसर किस्तूरी कलावती कृष्णा कमली कला शांति सुखदेई शरमन सिर मनला शिला माना पाना और खजाना संगमय ताराबाई कमला बिमला और निर्मला शांति बरपाई गीता सीता और अनिता संतरा भी आई भगवानी खजानी जानी नारायणी शोभाई। हेलो, इतना को केक रखो। ये केक तो कहीं बड़े भाई दिमाग में आए जा बैठे हूँ। आप हैं? नमस्ते। नमस्कार। कहाँ पर जा रही हो? मैं जा रही हूँ तेरा जीजा देखने। ये बुरा जीजा ही बैठा से ये। बहन। हाँ। क्या अभी तक आपकी शादी नहीं हुई? नहीं, तुम्हारी? मेरी तो हो चुकी बहन। अच्छा, 20 साल और न हो रहे मेरी शादी को। है? हाँ, बच्चे भी है मेरे तो। कहाँ पर हैं आपके बच्चे? देखिए जितने आगे आगे बैठे हैं ना। हाँ। ये सारे मेरे हैं। देख जिठे का तो मुंह भी नहीं दो कह लिया रही मैं। अच्छा, ये सगला तेरा ही सी? ये मेरे है। ये तो फिर पीर बनी सग मुर्गी फार्म है की जम्या। चलिए, ये भारी हो रहा तो चलिए। कवि की कल्पना है कि वो सावित्री कहाँ कहाँ जाती है, सुनिए।
प्रोग्राम जो अपने बेरोड क्षेत्र में थे, भाई नांगल चौधरी तक भी इनका ग्रुप गया था प्रोग्राम देखने के लिए। भाई राकेश कुमार टोटरपुर से 100 रुपए से इसी रागनी पर मान सम्मान करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। इसी बीच
ये भाई नीरज शर्मा 100 रुपए से अपनी पार्टी का मान सम्मान करते हैं ग्राउंड टोडरपुर से, बहुत बहुत धन्यवाद भाई नीरज शर्मा का। बहन जी ये जंगल में आवाजें कैसी आ रही हैं? देखिए जी इस जंगल में, ये देहरादून के जंगल है, इस जंगल में ये कट कट की आवाज आ रही है। बहन हाँ कभी कोई शेर हो? देखिए आप सभी जाइए और इस आवाज का पता लगाओ ये आवाज कहाँ से आ रही है। बहन मैं तो नहीं जा सकती। क्यों? के पता वहाँ आओ बैठे और मेरा चिपट जावे। अच्छा हाँ? नहीं नहीं साथ में जाओ सभी, चलो ठीक है चलिए चलो। ए छोरियो डराली चीज मन दे जाओ, आ जाओ। सजनों ये तो सभी बता देते हैं कि सावित्री ने अपना पति बनखंड में तलाश किया, लेकिन कौन सा बनखंड था, कहाँ का बनखंड था? अभी बताया था कि हरियाणा दिल्ली यूपी को पार करते हुए देहरादून के जंगल में पहुंचती है, और देहरादून के जंगल में पहुंची तो उस सती को उससे शांत वातावरण में और लकड़ी काटने की आवाज सुनती है, आवाज सुनी और अपनी सखी सहेलियों को भेजती है उसे पेड़ के पास जहां से आवाज आ रही थी। हेलो ओ श्रीमान जी आ गइए, जरा पेड़ से नीचे आइए। क्यों? आपसे बहुत जरूरी काम है। तन्ने हाँ लेकिन मना तो तेरे से कोई काम नहीं। अच्छा हाँ ए जी जी तू बात कर। श्रीमान जी हाँ कहिए। मैंने कहा प्रणाम। प्रणाम बोलिए। एक बार तड़े आ जाओ, मैं नीचे नहीं आया करूँ। अच्छा हाँ यो तो ऊपर ऊपर ही रह, नीचे क्या कहो। एक बार नीचे तो आ। बिल्कुल नहीं, मैंने तेरे से काम से। तन्ने मेरे से काम है, मैंने तेरे से कोई काम नहीं। अच्छा हाँ कौन ही आवे? बिल्कुल नहीं आता। ए जीजी हाँ तू बुला ले। नहीं बनी बात ना, मैं जाती हूँ क्योंकि तुम्हारे अंदर ना मिठास नहीं है। हाँ ना? मैं करूंगी काम। अजी सुनते हो? अजी सुनते हो? अरे ओ परदेसी के बात से? मैंने कहा राम राम। राम राम अजी राम राम। राम राम मैंने कहा। ऊपर क्या कर रहे हो, नीचे आइए पेट से। ओहो तेरे भी भाई बीमारी। हाँ बीमारी तो कैलाश डॉक्टर से भरो डालो। सही कहा, आप नीचे आ जाइए। बिल्कुल नहीं आ सकता आप मेरा। देखिए मैंने आपके साथ दो जरूरी बातें करनी, मीठी मीठी बातें। मैं तो तेरे साथ एक बात भी नहीं करूंगा, और मेरा टाइम खराब मत कर, चली जा रहे थे तू। नहीं आओगे ना? ए छोरी निर्भाग टाबर त्योहार न रुसे। हाँ या बुलावे तो पूरे मुंडा और राजा। देखिए बहन नमस्कार। मैं करे छोरी तुम सब बताऊ। हाँ ए कोई ब्याह करवानो हो आप तार लगी। हाँ बहन नमस्ते। हाँ नमस्कार। देखिए एक राजकुमार लगता है दिखने में बड़ा सुंदर है। अच्छा पेड़ पे लकड़ी काट रहा है। आपसे बात की? हमसे तो बात भी नहीं की उसने। आपने उससे तमीज से बात नहीं की? अन की तमीज तो गलड़ा चमा समय पाइट ली थी। तमीज से कैसे? लेकिन किसी भी पराई मर्द से बात करें तो कैसे करनी चाहिए? कैसे जी नमस्कार प्रणाम। तो मैं भी करी थी। तू करी पर तो गैल से गोटी कम हुई या ज्यादा हुई? ठीक है मैं जाती हूँ और पता लगाती हूँ। हेलो 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 वाह वास्तव में दिखने में सुंदर है, बातें करनी चाहिए। अजी श्रीमान जी राम राम नमस्कार प्रणाम जय माता जी की जय श्री श्याम। ओहो जय माता दी राम 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 राम। वह छोरी पचके मरगी ईब करी है राम राम। देखिए हाँ बताइए आप जरा पेड़ से नीचे आइए। बहन हाँ ऐसे तो राम राम मैंने भी की थी इससे। ये तू अरे मैं के तेरी बुआ लागू थी। छोरी सिर न फोड़ देगा पीछे न होले चली जा रहे थे। देखिए आप जरा पेड़ से नीचे आइए। दो चार पहले और आई थी वो। हाँ वो मेरे साथ में थी। वो भी आई बात कहती क्या रे तन्ने मेरे से काम कैसे वो बताओ। काम जितना जरूरत हो तो पेड़ का छोटा तार दू। जी नहीं ना ना। तो फिर मोटा मोटा लकड़ काट दू। जी नहीं नहीं ना। तो फिर पतला पतला लीकड़ा तोड़ दू। लीकड़ा हाँ मेरा शेर यो काम बाकी बचो लीकड़ा तोड़ नो। देखिए हाँ मैं आपका समय नहीं खराब करूंगी जी। मैं आपसे पॉइंट की बात करती हूँ। पॉइंट की बात कर। मैं आपसे तू मेरे से शादी करना चाहती हूँ, ब्याह करना चाहती हूँ। ब्याह? हाँ यो ब्याह किसा हो से भाई? यो ब्याह पित्तल का हो से भाई? क्या गला गयो ब्याह? यो सत्यानाशी का पेट। मैं तेरे से ब्याह नहीं करूंगा।
ब्याह नहीं करोगे ना तो फिर सगाई कर लियो। सगाई? हाँ। या सगाई क्यों है? यो ब्याह को पहलो दिन ना तो फिर मुकलावा कर लियो। मुकलावा? यो मुकलावा क्यों या करे? यो देवी देवता दो क्या कर वो दिन ना तो फिर फेरे करवा लियो ना माला गलवा लियो ना कोर्ट मैरिज ना लव मैरिज ना मैरिज ना तो तुम ओछो करवा ले काज करवा ले बाछड़ी तरवा ले। देखिए हाँ शादी विवाह करना कोई बुरी बात नहीं है। सबसे बुरी बात ब्याह करना ही है। अच्छा हाँ मेरी बात सुन ले। बताइए। हाँ जी क्या बात है? मेरी बात बहुत पुरानी जागनी है, सुनिए हमारे गुरु जी की। जागने बबुल भाई शाबाश। ओ उत्तर पे तले एक बे बहुत पुरानी रागनी है। ये जितने भी नए नए सिंगर नए नए गाने वाले खड़े होते हैं तो इस रागनी को पहले याद करते हैं। आगे की रागनी नहीं गाते, पीछे की नहीं गाते, बाकी यह रागनी जरूर गा मैं। न्यो बोली रे उत्तर पेट ते मासे जी किसके चली जा हम लकड़ी काटने आए चली जा हम लकड़ी काटने वाले। सुन ले नंबर एक की बात बताइए। ओ तेरे मिलन की हाँ ओ बाट बाट में और घनी हाल हो लई मने कोई जाल गेरना तू चावे से नुकती जाने हो मोजाल करूं पिया समझ कान हो लई मने यार सती बिना मन हाल की मतलब के तो ब्याह शादी किस तरह होती है? तेरे नाम का पता ना, तेरे गांव का पता ना, तेरी जात का पता ना तो पूछ ले न्यू ब्याह कौन करेगा तेरे ते? बताइए पहले वो बता। हाँ देखे कौन कड़े की तू रहने आई बता कड़े घर काम तेरा मगध देश में
और रहिया करूं सूं हो सावत्री से नाम मेरा इस पण खंड में एकली हांडण का और सावत्री के काम नारे बातने वाले से सीताराम जी टोडरपुर से 50 रुपए माता के मंदिर में और 50 रुपए से पार्टी का सम्मान करते हैं। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और ये ग्राम टोडरपुर से ही जी, ये भाई मुकेश, ये 4-5 दोस्त हैं, इनका ग्रुप है जी, 100 रुपए से इसी रागनी पर मान सम्मान करते हैं। और ये ग्राम मैनपुर वास से ये बड़े भाई साहब गिरिराज जी गहलोत, वो भी 100 रुपए से अपनी पार्टी का सम्मान करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। दो भाई दो। श्रीमान राजेश जी जो अपनी तरफ से 100 रुपए पहले भी दे चुके हैं और 100 रुपए इसी रागनी पे और देते हैं। श्रीमान राजेश जी बहुत बहुत धन्यवाद। सुनिए नंबर 3 की बात। अरे चली जा तू अड़े ते नहीं। ओ पीर मर्द का हाँ। शरीर एक दिन अच्छा हो कट जा मेरम लौटे का आनंद छोड़ता के फायदा दुख वो मैं तेरी गेल लकड़ी डोलू दुसात न फेरी हो फैसला है। कोई फैसला नहीं है। क्यों? कमारा रहना हर तू जा।
क्यों शादी क्यों नहीं करना चाहते हैं? अरे ब्याह करवा के लोगो, ब्याह करवा के देखिए, ब्याह करवा के जन्म के दो हो फिर जीने खाड़ होया करे। लोगो ब्याह करवाइए वो बिना गाबरू फैल जा फिर घने पवाड़ होया करे। जिस घर में बालकी, हाँ जी सुन गए, जिस घर में बालकी और बहु नहीं वो जगत में लाखों हो आतने वाले। ब्याह करवा के जन्म कह दो, हाँ ब्याह करवा के जन्म कह दो फिर जीन खाड़े हुआ करें। और लोगों ब्याह करवाए बिना गाबरू ऊत लुंगाड़े हुआ करें। वो तेरा भला हो जाए जिसका ब्याह नहीं ऊत लुंगाड़ा हो से। बिल्कुल, लेकिन गर्भाशय में कुटुंब फैल जाए। अच्छा, गर्भाशय में कुटुंब फैल जाए फिर घने पवाड़े हुआ करें। और लोगों जिस घर में बालक बहू नहीं वो भाग के माड़े हुआ करें।